कानपुर के थाना कर्नलगंज की रेलवे लाइन में दो गुटों में हुए आपसी विवाद को धार्मिक रूप देकर शहर के अमन पसंद माहौल को खराब करने के उद्देश्य से तथा कथित संगठन से जुड़े कुछ अमन के दुश्मनों ने थाने के गेट पर धरना देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की पूरी कोशिश की। आयल रहमान की मां ने बताया कि आपसी विवाद में मेरे बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद से मैं अपने बेटे को लेकर दर दर भटकती रही, परंतु पुलिस ने मेडिकल हो जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की, उल्टा मेरे बेटे को ही थाने पर बैठा लिया। उसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने आकर मेरी गैर मौजूदगी में घर का ताला तोड़ने की कोशिश की और कथित नारेबाजी करते हुए चले गए। इस बावजूद आज काजी इस शहर हाफिज व कारी मोहम्मद नदीम ने आला अधिकारियों से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। वहीं इस मामले पर पुलिस ने जांच की बात कहकर मामले से मुंह मोड़ लिया है। झगड़ा हुआ था। किससे हुआ है? हमारे लड़के से, शाम सुंदर बिने इन से, चार पांच लोग थे, झगड़ा हुआ। हम बीच बराव जो करने लगे, बचाने लगे, तो हमको चार पांच लोगों ने मारा। लड़के बचाने चला तो उसको लोहे का सांप राट मार दिया। हम जो है तो लोग कहीं पट्टी करा तो हम थाने ले गए, तो थाने ने कहा कि वहाँ ओरसेला ले जाओ। ओरसेला गए तो ओरसेला वालों ने कहा पुलिस ले जाओ। फिर हम थाने आए, फिर थाने से जो है पुलिस वाला गया, उसने पूरा वहाँ पे पट्टी वट्टी कराई, मेडिकल कराया। टाके लगा रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने टाके नहीं लगवाए, तो हम ले के चले कहीं थाने चलो। फिर थाने आए, फिर वो लोग पहुँचे वहाँ पे, अपना जो है नारेबाजी कर रहे थे और हमको धमकियाँ दे रहे थे। महल्ले में आए, धमकी दे गए तो महल्ले से कोई बाहर नहीं निकला डर के मारे। और आज जो है हमारे बच्चे के चोट सर पे लगी और हम ही लोगों को वहाँ पर हमारे बच्चे को बैठा ले हुए हैं। और आज आए हैं 8-10 लोग। अब वो किससे जुड़े हैं, क्या है क्या नहीं, वो हमें सब नहीं पता, लेकिन गाली गलौज दरवाजा दरवाजे में लात मार गए, ताला तोड़ रहे थे, हम घर में नहीं थे। अब क्या चाहिए आप? हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे आगे कोई नहीं, हमारे बच्चे ही हैं छोटे छोटे, जब कमा के लाते तब हम पेट भरते हैं। तो अब आप क्या चाह रही हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा अब घर आना चाहिए हमारा। कोई हमारे बच्चे की गलती नहीं, गलती उन लोगों ने की, गलत हमको ठहरा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं। आपकी FIR लिखी गई? नहीं लिखी गई है। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जो मामूली विवाद को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, कल ग्वालटोली में जो घटना हुई उसकी जानकारी मुझे सुबह वहाँ के लोगों ने दी और मौके वारदात में मैं पहुँचा और वहाँ के लोगों से मैंने जिम्मेदारों से बात करी तो मालूम हुआ कि दो गुटों में आपस में तनाव झगड़ा हो गया था। लिहाजा हमारी ये अपील है जिलाधिकारी से और कमिश्नर साहब से, इसकी सही जांच की जाए और जो दोषी हों उन्हीं को जो है सख्त कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आए दिन हिंदुस्तान में ये धार्मिक स्थल को लेकर इस तरीके की इज्जतें पामाल की जा रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, जो भी धार्मिक स्थल को लेकर इज्जतें पामाल करें उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मगर खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, इनका कोई दीन धर्म नहीं होता है। हम अपील करते हैं हुकूमत से और हमारे आला अधिकारी इसके सही जांच करें और जो दोषी हों उन्हीं पर कार्रवाई की जाए। संज्ञान में आया है कि जिसके चोटें लगी हैं वो अंदर है और जिन्होंने मारपीट की है वो भी बाहर है। जी, मैंने पूछा वहाँ के लोगों से, जिसके चोट लगी है उसको कल रात से थाने में बैठा रखा है और तमाम आला अधिकारियों से बात हुई है। इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी गौर व फिक्र किया जाएगा, जो दोषी हैं उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी और जो बेगुनाह हैं उनकी माँ से भी हमारी बात हुई, वो बूढ़ी माँ है बेचारी, जिनका कोई जर नहीं ना, उनके शौहर भी नहीं ना, वही बच्चा कमाता है। लिहाजा हमारी अपील है हुकूमत से कि अगर ऐसा कोई काम देखें, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो किसी धर्म का मानने वाला हो, इस तरीके की हरकत करें उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। 19/6/21 की रात 9:30 बजे रेलवे पटरी झुपड़पट्टी थाना कर्नलगंज क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें सोनू नाम का लड़का लूडो खेल रहा था, रहमान और साहिल नाम का दो लड़का उधर से निकल रहे थे, जिसमें उसकी बाहर उसकी बहन बैठी थी, उसको लेके भप्पी कसे, जिसमें सोनू से उनका विवाद हुआ। विवाद होने के बाद उनमें मारपीट हो गई, इन लोगों ने बदतमीजी करके घर में घुस के उसके साथ अपने अन्य साथियों के साथ मारपीट किया, जिसमें गंभीर धाराओं में अभियोग दर्ज कर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें साहिल और रहमान की गिरफ्तारी कर ली गई है, CCTV फुटेज से भी निकाला गया है और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी भी प्रकार की लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।